धर्मचंद जी, धर्मचंद जी, कोई है घर में? कौन? क्यों, पहचाना नहीं? क्या नहीं पहचाना? कैसे पहचानूं? जिंदगी में ना जाने कितने लोग मिलते हैं, किससे कब कहां मुलाकात हुई, ये सब याद रखना तो मुश्किल है ना। वेलकम होटल, रूम नंबर 101, याद आया? होटल? मैं तो शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ, होटलों में खाना कभी नहीं खाता। खा? बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। उस दिन मैं बाथरूम में गई और तुम रफू चक्कर हो गए। ना मेरे पैसे दिए और ना होटल का किराया। मेरी फीस 300 रुपए, होटल का किराया 400 रुपए और आने जाने का खर्च 100 रुपए। पूरे 800 रुपए ढीले करो तब मैं यहाँ से हिलूंगी सेठ धर्मचंद। अरे मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, तुम्हारी तस्वीर दिमाग के हर कोने में ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा हूँ और तुम हो कि सट्टे बाजार की तरह भाव पे भाव बढ़ाए जा रही हो। कमरे का किराया, तुम्हारी फीस, आने जाने का खर्चा, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या नाम है तुम्हारा? तुम मुझे झुटला सकते हो लेकिन अपनी लिखावट पहचानने से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इस कागज पर तुमने अपने हाथ से अपना नाम, पता और होटल का रूम नंबर लिखा था। ये सबूत काफी है मेरे लिए। अरे ये क्या किया तुमने? तुम्हारे पैसे हजम करने के लिए और अपनी मान मर्यादा बचाने के लिए मेरे लिए इस कागज को निगलना बहुत जरूरी था। तुम जैसे? मेरा पेट भर चुका है तुमसे भी और तुम्हारी बातों से भी। अब जाने से पहले सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है। लानत है तुम पर, मुझे नहीं मालूम था कि इतने बड़े घरों में रहने वाले भी हम जैसी औरतों की दलाली पर जीते हैं। अब तो मालूम हो गया ना, आगे चलकर धोखा नहीं खाओगी। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ओ नो, तुम्हें तो अंग्रेजी भी नहीं आती। अब देखो चलो यहाँ से, चलो। जाऊंगी, जाने से पहले तुम्हारी कहानी तुम्हारी पत्नी को सुना कर जाऊंगी। अच्छा? हाँ, ताकि तुम उसकी नजरों से गिर जाओ। तुम क्यों तकलीफ करती हो, मैं खुद बता देता हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। सीता, ये मैडम कह रही है कि मैंने वेलकम होटल में इनके साथ रात गुजारी है, अब ये पैसे लेने आई है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ही समझाओ ना इन्हें। इसमें समझाने की क्या बात है, ये तो इसकी शक्ल से ही पता चलता है कि ये कौन है और इसका पेशा क्या है। आप कैसी बीवी हैं? मैं आपकी आंखें खोलना चाहती हूँ और आप ये झूठे आदमी की तरफदारी कर रही हैं। पैसों के खातिर बिकने वाली औरत, खबरदार जो इन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की। तो तुझे पैसे ही चाहिए ना, तो इनके पैरों पर गिरकर भीख मांग ले, ये दे देंगे तुझे। और अगर इनके चरण छू लेगी तो शायद भगवान भी तुझे माफ कर देंगे और गलत रास्तों से भी बच जाएगी। सीता, डैश में आकर किसी की मजबूरी को मत भूलो। हो सकता है बेचारी एक बेसहारा मजबूर हो और इसी तरीके से पैसे हासिल करना चाहती हो। पर सुनो, तुमने जो मुझ पर इल्जाम लगाया है, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बेबसी पर तरस आ रहा है। इस पर तरस आ रहा है आपको? मुझे तो शर्म आती है इसे देखकर। ये औरत नहीं, औरत जात के नाम पर एक कलंक है। इसे तो सीता, गुस्सा गुरूर की निशानी है और ईश्वर को गुरूर पसंद नहीं। तुम अंदर जाकर अपना काम देखो, इसे मैं देखता हूँ। जाओ। That is धर्मचंद। मेरी पत्नी नहीं, सारा समाज मेरी जेब में है। कोई ईश्वर को शैतान कहे तो लोग मान लेंगे, लेकिन अगर कोई मुझको शैतान कहे तो लोग नहीं मानेंगे। लोग कहेंगे कि पागल है। इसलिए अगर तुम मेरी बदनामी करोगी तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। जो दूसरों का विश्वास हासिल करेगा, ईश्वर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है। जाओ, घर जाकर पढ़ लो। जाओ। That is धर्मचंद। मालिक, राम राम। राम राम। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है और तुम यहां धूप में खड़े भीख मांग रहे हो। चलो छांव में आ जाओ, एक मिनट। आओ। ठीक है, आइए। सलाम साहब। नमस्कार। नमस्कार भाई, तुम लोगों की तनख्वाह मिल गई? मिल गई साहब। अच्छा अच्छा। अरे गोपाल। हाँ साहब। तेरी माँ की तबीयत कैसी है भाई? ठीक है साहब। ठीक है कहने से काम नहीं चलता। बीवी का आंचल पकड़े फिरने से माँ की तबीयत ठीक नहीं होगी, उसकी देखभाल जरूरी है। हाँ साहब। समझ गया? हाँ साहब। क्या? समझ गया साहब। जोरू का गुलाम है ये। रघु, राजू, जॉन। जी सर। जी सर। जी सर। मैंने तुम लोगों को ये पूछने के लिए नहीं बुलाया कि ये कचरा यहाँ क्यों पड़ा है। एक टोकरी
और एक फावड़ा लाओ। मैं साफ करा दूंगा साहब, जमादार को आने दीजिए। उसके आने तक ये कचरा यहीं पड़ा रहेगा। एक टोकरी और एक फावड़ा मंगाओ। मैं अभी उठवा देता हूं साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। टोकरी और फावड़ा प्लीज, जल्दी जल्दी इधर लाओ। ले जाओ भाई। आदमी को अपना काम खुद करते हुए शर्माना नहीं चाहिए। अगर हर आदमी अपना काम खुद करता तो इस देश की गरीबी कब की दूर हो चुकी होती। अगर उसी दिन मैं ये कचरा यहां से उठा देता तो आज यहां पड़ा सड़ नहीं रहा होता। यह गलती मेरी है, इसलिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। सर माफ तो आप हमें कर दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बात यह नहीं, दूसरों की गलतियां ढूंढने के बजाय अपनी गलतियां ढूंढने में इंसान की भलाई है। अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में इस बात का जिक्र है। तो आप लोग अपना काम करिए, आप मेरे साथ आइए। मालिक हो तो ऐसा बिल्कुल खरा सुना, महात्मा के बारे में सुना था, आज इसे साक्षात देख लिया। महात्मा नहीं, ये तो देवता है, देवता। हे धर्मचंद, सुना तूने? तू आदमी नहीं देवता है। दैट इज धर्मचंद। जब लोग विश्वास के गुलाम हो जाते हैं तो हम जैसों को लोग समाज की पालकी में बिठाकर अपने कंधों पर उठाए फिरते हैं और हम मजा लूटते हैं। अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में इस बात का जिक्र है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, धर्मचंद की तरह जियो और धर्मचंद की तरह पियो। दूध वाला, हटो छोड़ो जाने दो, दूध वाला आया है। दूध वाला आया है तो लौट कर आ जाएगा। तुम कहाँ जा रही हो? ओ भैया जी, बाद में आना। अरे साहब, गली के ऊ कोने से दूध देते भाई, यहाँ तकाल भैया फिर कहाँ पलट के आई? देखो हम यहाँ नए नए रहने आए हैं, अगर वो चला गया और बाद में दूध नहीं मिला तो? और तुम यहाँ से चलेगी और लौट कर बिस्तर पर नहीं आई तो? छोड़ो जाने दो मुझे। तुम नहीं जाओगी, मैं जाऊंगा। और जब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा तुम्हें से हिलना नहीं है, मैं अभी आता हूँ। इतनी देर हो गया अभी तक आए नहीं, राम जाने का करत है। अरे क्या आ रहा हूँ, सुबह सुबह के दिमाग चाटते, चल दूध दो। अरे क्यों हंस रहे हो? ये नहीं फैशन कर लूंगी, दुबई से मंगाया का साहब, यहाँ से लेके वहाँ तक लटकता। तुमको क्या करना है, तुम दूध दो, चलो। हम दूधवा देते हैं भाई साहब, लेकिन आप अपने गाले और माथे का सिंदूर जरूर पोछ लिए। हमारा नाम रामधनी यादव है, बनारस वाला। जाओ यार। अच्छा साहब, जात भाई, जय राम जी। जा।